मुंबई कर्नाटक गोवा राइड जो चुने क्रॉस भी नहीं हुआ, एक प्रॉब्लम आ गई। मराठीत बोलते ना स्पीड ला 50 चा स्पीड ला असेल ना लगा अंकल जी से मिलके बहुत बढ़िया। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल केकी मिस कंटेंट और गुड आफ्टरनून। क्योंकि अभी कुछ टाइम हो रहा है, अराउंड 2 बजने को आ गए, तो मैं निकलने वाला था मॉर्निंग में जो राइड अपना जो चल रहा है मुंबई टू गोवा कर्नाटक राइड, सॉरी मुंबई कर्नाटक गोवा राइड जो चल रहा है, तो उसमें आज पुणे का होल्ड था अपना। पुणे से मैं निकल गया हूँ तो आज डायरेक्ट सोलापुर रुकूँगा। तो सोलापुर कुछ 7 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है मैप पे पुणे से, 5 घंटा है। तो वीडियो शूट करते करते जाऊँगा तो अराउंडली बच जाएगा 7-8 घंटा तो हो ही जाएगा कोई भी हालत में। तो फिलहाल अभी मैं पिंपरी में था, पिंपरी से निकल रहा हूँ और ये एंगल कैसा आ रहा पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि तो लेट भी हो गया 2 घंटा, थोड़ा लेट भी हो गया। 2 बजे निकले हम, 12 बजे का प्लानिंग था पर भाई का कुछ काम था बाहर साइड पे तो वो देखने चला गया तो लेट हो गया हमें। तो इसके लिए थोड़ा कवर करेंगे टाइम। और फिलहाल जो राइड अपना चल रहा है सोलापुर तक का, ये कुछ 260 किलोमीटर का कुछ राइड है आज, तो देखेंगे कैसा होता है। नाइट में तो आपको जैसे ही पता है नाइट में तो रात को गाड़ी चलाने का प्लान नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके लिए जितना होगा उतना जल्दी कवर करेंगे टाइम। और जैसा भाई बोल रहा था कि रोड बहुत ये सीधा है तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको गाड़ी चलाने के लिए। चलिए फिर आपको हाईवे पे मिलता हूँ। आज फाइनली मैं गूगल मैप से वैताग गया हूँ कि कुछ आधा घंटा होने को आया, मेरे को सिर्फ गली गली से घुमा रहा है, हाईवे कब आएगा कब पता नहीं। और इतना हाथ पेन करने लग गया क्योंकि हर 3-3 मिनट में ये आ जा रहा है, सिग्नल आ जा रहा है या कोई बीच में आ जा रहा है। इधर ही मेरा हाफ एन आवर निकल गया है और गूगल बाबा बहुत परेशान कर रहा है आज मुझे कि और मुझे 4 घंटे का डिस्टेंस कवर करना है। इतना स्लो जा रहा हूँ मैं, 30-40 के रेंज में जा रहा हूँ, इतने स्पीड में जाऊँगा तो मैं कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। फिलहाल तो अभी रोड जिधर खाली मिल रहा है उधर हम थोड़ा स्पीड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पुणे का जो इन्वायरमेंट है ना, एक नंबर इन्वायरमेंट है, क्योंकि ठंडी फिलहाल तो अभी नहीं चल रहा है इधर पुणे में, क्योंकि मैं रात भर स्टे में था तो इतना कुछ ठंडी लगा नहीं, नॉर्मल जैकेट पे मैं सो गया, इतना कुछ ठंडी लगा नहीं अभी फिलहाल तो पुणे में, नहीं तो पुणे में नॉनस्टॉप बहुत ठंडी रहता है। ये ऐसे सिग्नल आ रहा है रुक रहा हो, सिग्नल आ रहा हो रुक रहा हो, सटक गया पूरा मेरा आज। कब हाईवे मिलेगा, कब मैं निकलूँगा फटाफट, 80-90 का स्पीड कब पकड़ूंगा, ऐसा हो गया मुझे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इन लोगों ने ब्रिज को पूरा ऐसा झाड़ के वहाँ पे एंगल दे दिया है पुणे में, वो सुपर्ब लग रहा है ये व्यू। तो एक कब पुणे से निकलूँगा उसी का वेट कर रहा हूँ। फिलहाल तो अभी भी पुणे में हूँ मैं, मुझे लग रहा है खड़की क्रॉस कर दिया होगा मैं, खड़की या नहीं तो पुणे में या इंटर किया रहेगा, क्योंकि तो इधर ट्रैफिक के हिसाब से मुझे लग रहा है पुणे में ही हूँ। और हाईवे पे पहुँचने के लिए और 15-20 मिनट जाएगा प्रॉपर। तो पुणे क्रॉस भी नहीं हुआ, एक प्रॉब्लम आ गया देखो, जिससे मैं गाड़ी स्पीड करता हूँ ना, अपना गाड़ी का हैंडल देखो कैसा हिल रहा है, पूरा हैंडल ऐसा 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 डगमगा रहा है और गाड़ी का जो प्रेशर है पूरा हाथ में आ रहा है। तो मैं फिलहाल अभी सर्विस सेंटर ढूंढ रहा हूँ कि किधर यार नियर बाय में है, तो क्योंकि वो कराना पड़ेगा कुछ, तो बीच का जो डंडी होता है वो लगता ख़राब हो गया, तो पहले वो करवाऊँगे कराएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई साहब ने इधर की तरफ बोला था है करके, मैं ज़्यादा आगे आ गया ऐसा मुझे लग रहा है, ज़्यादा आगे आ गया मैं। अरे हीरो सर्विस सेंटर कुठे आहे माहिती आहे का? तर आतमध्ये जायचं रोडवर आहे ते का? मराठीत बोलते ना हो। तो फाइनली हमें मिल गया, मैं मुझे डाउट आया था कि मैं आप थोड़ा पीछे आ गया करके, तो अभी यही रोड पकड़ के जाएंगे। और ये ब्रेक भी है ना दबा रहा हूँ, आधे के बाद यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से हाथ में इतना पेन आ रहा है
पता नहीं चल रहा है। और अभी तो राइड अपना शुरू हुआ है, सिर्फ 300 किलोमीटर भी अभी तक अपन ने ख़त्म नहीं किया है और इसमें इतना तकलीफ आ गया। तो फाइनली वी आर इन द हीरो सोरी सेंटर। हा सर्विसचा कोणी बघता का? सर्विसचा जरा गाडी आहे ना अनबॅलन्स होते आहे स्पीडला, 50 स्पीडला असेल ना असं असं गडगड हालायला लागलंय, म्हणजे 1 हँड पण सोडतो हवा तर आहे। तो फायनली शोरूम तो मिल गया, उनसे बात हो गया, तो उनको बोला चेक करने के लिए, कुछ रहेगा तो बता देंगे। टायर में हवा तो भाई, फिलहाल तो अपने वो पार्ट मिला नहीं इधर, तो इसके आगे और एक बड़ा शोरूम है बोल रहे, तो वहाँ पे चेक करेंगे, तो चेन तब तक टाइट करा के यहाँ से निकलेंगे। तो फाइनली मैं शोरूम से तो निकल गया, शोरूम में कुछ काम नहीं हुआ और जो हाईवे मिला है अभी मैं टॉप एंड टॉप पे जा रहे, और एक फिलहाल अभी पेट्रोल भी भरना है, पेट्रोल का टाकी भी ख़त्म हो गया। और जो मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए, मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़ा तब आने लगा जब मैं कर्नाटक से गोवा राइड पे जाऊँगा, तब कि मुझे बहुत मतलब मन में इच्छा था कि गोवा एक दिन जाना है बाइक से। तो फाइनली वो भी टाइम आ गया अभी, अपना गाड़ी का स्पीड भी मेंटेन रखते हुए जा रहा हूँ 70-80 की स्पीड में, मुझे लग रहा है तो फाइनली 70-80 की स्पीड से जा रहा हूँ गाड़ी लेके। तो अभी कुछ स्पीड बन रहा है अपना 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ, क्या अभी रोड भी मिला है अच्छा। ऐसे एड़े लोग मिलते हैं हाईवे पे, इतना हॉर्न दे रहा हो तो भी बीच में घुस रहा है गाड़ी लेके, और मेरा स्पीड भी ज़्यादा था, 100 का क्रॉस स्पीड था, गाड़ी तो कंट्रोल नहीं होता। तो अभी कुछ सेकेंड टाइम हो गया राइड पे, मैं तो बहुत डर लग रहा है कि आराम से चलाओ लेके, फिलहाल तो थोड़ा टाइम कवर करना है करके गाड़ी स्पीड में लेके जा रहा हूँ। एक बार टाइम कवर हो जाएगा तो पहले शोरूम भी जाना है, और ऊपर से शोरूम मिला तो शोरूम भी जाएंगे, क्योंकि वो जो गाड़ी का वन साइड हिल रहा है गाड़ी पूरा, वो कराना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि हाथ बार बार मैं छोड़ता ही हूँ बीच बीच में, क्योंकि मैप देखने के लिए देखने के लिए उसमें गाड़ी ऐसा ऐसा हिलने लग जाता है। तो फिलहाल तो सोलापुर यहाँ से 210 किलोमीटर दिखा रहा है, 3-3.5 घंटे का डिस्टेंस है, तो जितना होगा उतना कवर करेंगे फटाफट और निकलेंगे। और रोड तो सुपर है, जैसे पुनः क्रॉस हो गया उसके बाद रोड थोड़ा अच्छा ही मिलने लग गया, तो गाड़ी का स्पीड भी मेंटेन हो रहा है, 80-90 की स्पीड पर चल रहा है। तो फाइनली शोरूम तो मिला है, और एक बार जाके चेक करते कि हमें यहाँ पार्ट्स मिलेगा या कुछ होगा क्या अपना काम। जय बजरंग बली। शोरूम तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो मैं हाई होप अपना काम होए इधर। वेट करने के बाद शोरूम में ऐसा बोला गया है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन हो तो रहा है, और अंकल जी लोग बहुत मेरे से बात करते खड़े थे तो बहुत अच्छा लगा। फ़ोन चालू है ना, तो ये अंकल जी आके खास मुझसे बात किए बहुत, और जैकेट के बारे में पूछे, तो अच्छा लगा अंकल जी से मिलके, बहुत बढ़िया। चलो फिर मिलते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, आप देखिए पूरा वीडियो। थैंक यू, चलो बाय। पुणे में आए कभी तो फ़ोन करो। हाँ ठीक है ना, फोन ओके। तो फाइनली शोरूम से निकल रहा हूँ, तो इतना कुछ सेटिस्फाई वाला कुछ चीज़ मिला नहीं, और रिटर्न जाना पड़ेगा यहाँ से। रूम में ऐसा कुछ मिला नहीं, उन्होंने देखा गाड़ी और बोले कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हवा चेक कर लो, तो देखेंगे नाइट्रोजन जिधर मिलेगा उधर नाइट्रोजन भरवा लेंगे, और एक बार और पेट्रोल भी भरना। वो अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात किए, और बहुत कुछ डिटेल पूछा उन्होंने, कहाँ से आया, किधर जा रहे हो, अभी क्या प्रोग्राम है, अभी आगे का कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ। चलो फिर यहाँ से निकलते, 3 घंटा कुछ लगेगा, 3-3.5 घंटा। 109 किलो 110 तक का टच करने वाले हैं, ये इस तरह से गाड़ी है, इस तरह से। फाइनली बहुत देर बैठने के बाद अभी खाने का मन किया, फिर से एक वड़ा पाव खा रहा हूँ, खाना तो खा चुका था ऑलरेडी मैं। तो
फाइनली नाश्ता करके हो गया तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि 2 बजे मैं खाके निकला था। अभी इसलिए एक वड़ा पाव खाया हो और फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट हो गया हो। और जो रोड पे जो स्पीड मेंटेन था मेरे बहुत सही लगा, आपने देखा होगा तो 110 के स्पीड पे मैं जा रहा था। बहुत दिनों के बाद 110 के स्पीड पे चल रहा मेरा गाड़ी। और ख़ास बात की गाड़ी का मुझे अच्छा लगता है क्या कि इसका जो स्पीड है ना 80 और 90 के बीच का रेंज बहुत सही है, बहुत सही है। तो अभी तो फिलहाल मेरा मूड नहीं है रुकने का किधर भी, तो देखेंगे 1-1.5 घंटे के बाद जो गाड़ी में मिनिमम 1 घंटे के बाद रुक पा रहा हूँ, गाड़ी को नॉन स्टॉप खींच नहीं रहा हूँ, 1 घंटा तो मिनिमम चला रहा हूँ, उसके बाद गाड़ी रुक पा रहा हूँ 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद वापस नॉन स्टॉप 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा पहले मैं रुका था और फिर से अभी 1 घंटा के बाद मैं रुका। देखते अभी 1 घंटे में कुछ अराउंड मेरा जो स्पीड है स्पीड के हिसाब से तो 300 है, उसके हिसाब से तो 50-60 किलोमीटर तो ख़त्म होना बनता है 1 घंटे के अंदर। 80 और 90 के रेंज में गाड़ी चल रहा है फिलहाल हाईवे पे, और पेट्रोल भी भरना है, पेट्रोल खत्म हो गया तो एच पी पेट्रोल भी बाहर दिखेगा तो आप भरते हो डायरेक्टली आपको जाते हैं। तो कुछ हम गए गाड़ी चला के 1/2 घंटा हो गए जो नाश्ता करने रुके थे उसके बाद से, तो अभी कुछ एक आया है सुपर वाला नदी टाइप है और बहुत सही लग रहा है। मुझे वो रोड से जाना था, मैं बांध में जान गया तो मैं ये रोड पे आ गया, तो यहाँ पे रुकने का चांसेस नहीं मिलेगा किधर भी। कुछ इस तरह का व्यू है एकदम सुपर लग रहा है। कोई कोई लोग बोटिंग भी कर रहा है उसके अंदर, मच्छी पकड़ते रहेंगे। गो स्लो, दैट्स आई एम स्लो। तो ऑलरेडी गाड़ी स्लो ही था और बोर्ड भी लगा था गो स्लो। तो फाइनली अभी थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया है और ठंडी भी लगने लग गया हल्का हल्का फिलहाल। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले जितना किलोमीटर कवर होएगा उतना कवर होएगा, उसके लिए नॉन स्टॉप 180-90 की स्पीड पर जा रहा हूँ। और एच पी पेट्रोल पम्प ढूंढ रहा हूँ, एक जगह गया था पर उधर मिला नहीं पावर पेट्रोल, तो उसने छोड़ दिया। तो ये एचपी पेट्रोल में पावर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अपना पेट्रोल पूरा लिंक कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ अराउंड 20-30 किलोमीटर जाएगा और तो देखेंगे मिला एचपी का तो एचपी का डाल देंगे, नहीं मिला तो फिर अपना आगे देखने के लिए। वो एक्सट्रीम पे ऑरेंज कलर का पेंटिंग किया हुआ है, असम मॉडल निकाला है। हाँ सेम असम मॉडल निकाला भाई ना, सुपर बांटते थे तो इन्होंने खुद से किया था घर पे ये मॉडिफाई, इन्होंने खुद से कलर मारा हुआ है रिंग को, सुपर्ब लग रहा है गाड़ी। चांगला वाटला भेटून तुम्हाला, गाड़ी बघून एकदम हे झालो। काय म्हणतो संपलंय पेट्रोल नसतं आपल्याकडे, अरे विचारून तिथं सोडून आलो मी, पुढचा आलो तुम्ही आता कोल्हापूरला, पेट्रोल नाही आता गाडीमध्ये, पुरा 1 किलोमीटर पंप आहे समोर, असं म्हणजे बांधकाम दिसत समोर पंप, कुठला पंप आहे आपला नाही समोर जाईल सीधा सीधा जाऊ, 1 किलोमीटर जाऊ, एकच बांधकाम दिसत समोर शाळा तो फाइनली पेट्रोल भर के हो गया। अभी ये कांच से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हेलमेट का क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है और उसमें कुछ इतना विजन क्लियर नहीं आ रहा है। और अपना गाड़ी अभी तक फिलहाल 386 किलोमीटर चल चुकी है मुंबई से, मैप लगा देता हूँ। फिलहाल हमें उस तरफ जाना है तो फाइनली और 1 घंटा बचा हुआ है जाने के लिए, 70 किलोमीटर कुछ है तो लेट हो गया मुझे। और 2 बजे कुछ निकला था अराउंडली पुणे से, पुणे में मेरा मुझे जितना आइडिया लग रहा है 1-1.5 घंटा मेरा पुणे में चला गया क्योंकि जो रूट से गूगल बाबा मुझे लेके जा रहा था जो आपने देखा रहेगा तो इतना स्लो स्लो जा रहे थे तो उसके वजह से लेट हो रहा था।
फिलहाल और एक घंटा है। मैं जैसे ही बोला था कि मुझे नाइट ड्राइव नहीं करना है तो भी मिल गया, क्योंकि अपना जो हेलमेट का कांच है वो थोड़ा ब्लैकिश है तो उससे नाइट में विजन कम दिखता है, और अपना फॉग लाइट भी थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है, कुछ कुछ लाइट जल रहा है कुछ कुछ नहीं जल रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। और GoPro में कितना चार्जिंग है पता नहीं है फिलहाल अभी, और क्योंकि मैं गाड़ी से उतरा ही नहीं, एक डेढ़ घंटा हो गया। देखते किधर खड़े रहेंगे चाय पीने के लिए, तो वहाँ पे चेक करते GoPro में कितना चार्जिंग है, क्योंकि मेरे पास एक ही बैटरी है, मुझे चार्ज करते करते वीडियो निकालते हुए जाना पड़ता है। और जो कोई अपना वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी ये जो अपना राइड है गोवा कर्नाटक का, कर्नाटक टू गोवा वाला जो राइड है बहुत लंबा होने वाला है। और मैं जैसे कि बोला था ब्लॉग एंड नहीं करने वाला, बैक टू बैक एक वन डे के बाद वन डे का वीडियो बनाऊंगा, तो जब भी लास्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको गुड बाय बोलूँगा और फिर से मिलूँगा। तो चलिए फिर अभी सोलापुर के कुछ बना और है, आपको डायरेक्ट सोलापुर में मिलता हूँ। तो फाइनली हम सोलापुर पहुँच चुके हैं, तो अभी डायरेक्ट बहन के घर पर जाना है, आज का होल्ड उधर ही है। तो आज हमने कुछ 275 किलोमीटर राउंडली कवर किया है 6 घंटे में, और गाड़ी अपना नॉर्मली चल रहा था, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं था। तो और कुछ अभी हाफ एन आवर दिखा रहा है गूगल मैप पे, 20 किलोमीटर और है फाइनली, और 20 किलोमीटर भी बचा हुआ है। और यहाँ का जो रोड था उसको सोलापुर का सुपरपुर रोड था, मुंबई से कोई आ रहा रहेगा बाई चांस तो उनको कुछ मॉर्निंग में ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि एकदम आराम से आना पड़ेगा रोड पर, और राइडिंग जैकेट शूज़ भी सब पहन के सेफ्टी से गाड़ी चलाना है रोड पे, क्योंकि कोई भी किधर से भी कार घुसा देता है, आपको कोई भी किधर से भी कार एकदम अचानक से टर्न मार लेता है इधर ये रोड पे। और रोड इतना चौड़ा भी नहीं है, 2 लाइन का है, और 3 लाइन का रहता तो अलग बात था, 2 लाइन का है तो। और मेन चीज़ एक है कि रात के टाइम पर कोई देगा तो उसको ध्यान देना एक ही चीज़ का, कि ट्रक वाला जो जाता है ट्रैक्टर लेके गन्ने का जो लोडिंग करके वो जाता है यहाँ से, उससे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, जो उन लोग कुछ बोर्ड पे निशान विशान दे तो मालूम ही नहीं पड़ता है, जब तक नज़दीक नहीं आऊँगा तब तक मालूम नहीं पड़ता कि उन लोग चल रहा है घर के, वो भी एक प्रॉब्लम हो गई इस साइड पर। तो कल का प्लान क्या है अभी तक फाइनल नहीं है, या तो दूसरा बहन के घर पर जाना है या डायरेक्टली अपना यादगिरी जाना है, तो अभी तो फाइनल नहीं है, देखते रात को क्या डिसाइड होता है मेरा, तो वो हिसाब से फिर आपको मॉर्निंग में बताऊँगा मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, वो होगा अपना थर्ड डे, क्योंकि आज का सेकंड डे तो ख़त्म हो गया, तो मिलेंगे डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में आपको बताऊंगा कि मैं एक्चुअली जा किधर रहा हूँ, या यादगिरी जा रहा हूँ या भटगिरी जा रहा हूँ, जो पहले भी जाके आ चुका हूँ गाँव में, तो देखेंगे। 2 दिन भी हो गया है बहन को नहीं मिला है, तो उनको भी मिलेंगे। और आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एक आपके बाइक के लिए, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपसे छूटे नहीं।